हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी नर्व और मसल फिजियोलॉजी का, दैट इज़ द मोटर यूनिट। तो इस वीडियो में मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक पूरा अच्छे से देखना, आपको कुछ और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो से इस बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से समझ लेते हो। तो मैंने पूरी कोशिश करी है यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली और बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है मोटर यूनिट का वो एक्सप्लेन कर सकूं। तो अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। चलो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन विच कम्स इन टू अवर माइंड इज व्हाट इज अ मोटर यूनिट, राइट? मोटर यूनिट जो होता है ना, वो मसल का, स्केलेटल मसल का एक बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है। अब यहाँ पे सारकोमियर के साथ कंफ्यूज नहीं होना, वो स्केलेटल मसल का बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर होता है जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट क्या है? सारकोमियर। बट अगर स्केलेटल मसल की फंक्शनल यूनिट पूछेगा आपसे, बेसिक फंक्शनल यूनिट, तो दैट इज द मोटर यूनिट। अब ये तो हमने पढ़ा कि जो मोटर यूनिट है वो एक बेसिक फंक्शनल यूनिट है हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर। बट ये मोटर यूनिट होता क्या है? तो देखो, मोटर यूनिट ना एक अल्फा मोटर न्यूरॉन होता है। अभी जो अल्फा मोटर न्यूरॉन होता है ना, ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वहां से जनरेट होता है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। और इस मोटर न्यूरॉन के द्वारा जो भी मायोफाइबर्स मसल के इनर्वेट होते हैं, उस पूरे कंप्लीट यूनिट को कहते हैं हम एक मोटर यूनिट। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे डायग्राम में, तो ऊपर एक मोटर न्यूरॉन है, ठीक है, दैट इज द अल्फा मोटर न्यूरॉन जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रहा है। वो जाके मसल सेल्स के अंदर जो मसल के फाइबर्स हैं उनको सप्लाई कर रहा है, उनको इनर्वेट कर रहा है। तो इस पूरी यूनिट को हम कहते हैं मोटर यूनिट। अब ये जो मोटर यूनिट है, ये टर्म किसने कॉइन किया था? सर चार्ल्स शेरिंगटन, इन्होंने ये टर्म दिया था मोटर यूनिट, ठीक है। तो शेरिंगटन जो थे, इन्होंने काफी काम किया है हमारी न्यूरोफिजियोलॉजी के अंदर। तो यही सबसे पहले थे जिन्होंने मोटर यूनिट को रिकॉग्नाइज किया था। शेरिंगटन ने सबसे पहले ये डिस्कवर किया कि जो एक मोटर न्यूरॉन होता है वो बहुत सारे मसल फाइबर्स को इनर्वेट करता है, सप्लाई करता है। अब ये सप्लाई कर रहा है बहुत सारे मसल फाइबर्स को, तो ये फंडामेंटल यूनिट तो है ही, बट ये जो बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का भी काम कर रहा है। क्योंकि अगर मोटर न्यूरॉन नहीं होगा, मोटर यूनिट नहीं होगी एज अ होल, तो जो आपका सार्कोमियर है, जो बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, वो भी अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएगी। क्योंकि इसी के द्वारा आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और वो ट्रैवल करेगा। बट अगर ये यूनिट ही नहीं है, मोटर यूनिट ही नहीं है, तो आपका जो सार्कोमियर है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, जो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन होता है, वो भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो ये सारा जो जिसने सबसे पहले देखा था वो थे शेरिंगटन। अभी एक टर्म आती है मोटर यूनिट में, दैट इज द इनर्वेशन रेशियो। अभी इनर्वेशन रेशियो क्या होता है? तो ये रेशियो होता है किसके बीच का, मोटर न्यूरॉन और जो मसल फाइबर्स को सप्लाई करता है, इनर्वेट करता है, उनके बीच का ये रेशियो होता है। अब देखो, मैमल्स के अंदर या फिर ह्यूमंस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो एक मसल फाइबर है ना, वो एक मोटर न्यूरॉन से सप्लाई होता है, ठीक है। यानी कि एक मोटर न्यूरॉन जो है वो बहुत सारे मसल फाइबर्स को सप्लाई कर सकता है, बट जो मसल फाइबर है ना, वो सिर्फ एक न्यूरॉन से ही सप्लाई होगा, समझ रहे हो। इंडिविजुअल मोटर एक्सॉन जो होता है, जो कि हमारा अल्फा मोटर न्यूरॉन आ रहा था, उसका जो एक्सॉन है वो देखो डायग्राम में भी दिख रहा है, बहुत सारी ब्रांचेस बना लेता है डिफरेंट डिफरेंट मसल फाइबर्स को सप्लाई करने के लिए। तो इस डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है कि एक मोटर न्यूरॉन जो है वो बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, क्यों? ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट मसल फाइबर्स को सप्लाई कर सके। बट देखो, मसल फाइबर के पास एक ही ब्रांच आ रही है, यानी कि मसल फाइबर जो है वो एक ही मोटर न्यूरॉन से इनर्वेट हो रहा है, बट एक मोटर न्यूरॉन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मसल फाइबर्स को जाके इनोवेट कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। अब एक मसल फाइबर जो है वो सिंगल मोटर न्यूरॉन से इनर्वेटेड है, बट एक मोटर न्यूरॉन कितने सारे मसल फाइबर्स को सप्लाई करेगा, ये डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के ऊपर, जैसे कि कौन से टाइप की मोटर यूनिट है, कौन सी मसल है, उसका मसल वर्क कैसा है, क्या वो लाइट वेट करती है, मसल हैवी वेट करती है, तो उन सब चीजों पर ये चीज डिपेंड करती है।
इनोवेशन रेशियो जो होता है वो लो भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है. लो इनोवेशन रेशियो वाले यूनिट्स को कहते हैं हम स्मॉल मोटर यूनिट्स, और जिनका हाई इनोवेशन रेशियो होता है उनको हम लार्ज मोटर यूनिट्स भी कहते हैं. इसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ते हैं. अब देखो इनर्वेशन रेशियो क्या होता है ये हमें पता है कि एक मोटर नर्व फाइबर जो है वो कितने सारे मसल्स को सप्लाई कर रहा है. अब अगर एक मोटर नर्व फाइबर आता है और वो बहुत कुछ ही मसल्स को सप्लाई कर रहा है, मसल फाइबर्स को सप्लाई कर रहा है, दैट मींस वो स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स को टारगेट कर रहा है, तो वो छोटा मोटर यूनिट है. वहीं अगर एक दूसरा नर्व फाइबर आता है और मान लो अगर वो 100 मसल फाइबर्स को टारगेट कर रहा है तो वो एक लार्ज मोटर यूनिट बन जाता है. तो एक हो गया हमारा स्मॉल मोटर यूनिट और एक हो गया हमारा लार्ज मोटर यूनिट. अब बात करते हैं अबाउट द लो इनर्वेशन रेशियो. तो देखो नाम से ही समझ आ रहा है जब हम एक मोटर यूनिट को स्टिमुलेट कर रहे हैं, एलिसिट कर रहे हैं, तो बहुत ही कम रिस्पांस आ रहा है, बहुत ही स्मॉल रिस्पांस आ रहा है. क्यों? क्योंकि वो जो मोटर न्यूरॉन है, वो जो मोटर यूनिट है, वो कुछ ही फाइबर्स को सप्लाई करती है. अब कुछ ही फाइबर्स को सप्लाई करेगी, जब वो मोटर यूनिट को हम स्टिमुलेट करेंगे तो वो स्मॉल फाइबर्स ही कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, तो उनका जो रिस्पॉन्स आएगा वो भी तो बहुत कम ही आएगा क्योंकि वो स्मॉल नंबर में है वहाँ पे. इसका काम क्या होता है? अब तो ये ना हमारा फाइन मोटर कंट्रोल जो होता है, जो बहुत फाइन मोटर स्किल्स होती हैं हमारी, उनमें ये चीज़ हमारी काम आती है. जैसे कि अगर आप आई मसल की बात करोगे, लेटरल रेक्टस मसल की, तो जो उसका इनर्वेशन रेशियो होता है वो होता है 5:1, यानी कि आपका जो एक मोटर न्यूरॉन है वो सिर्फ 5 मसल फाइबर्स को ही सप्लाई कर रहा है. ठीक है, तो फाइन मोटर जो बहुत छोटी छोटी मूवमेंट्स होती हैं उनमें हमारा कौन सी मोटर यूनिट काम आती है? लो इनर्वेशन रेशियो वाली. तो अब बात करते हैं हाई इनर्वेशन रेशियो वाली की. तो यहाँ पे क्या होता है ना, चीजें बिल्कुल अपोजिट हो जाती है. अब यहाँ पे अगर मैं एक मोटर यूनिट को स्टिमुलेट कर रही हूँ तो मोटर यूनिट क्या है, वो बहुत सारी मसल फाइबर्स को सप्लाई कर रही है. अब अगर इस मोटर यूनिट को एलिसिट किया जा रहा है तो बहुत सारे मसल फाइबर्स जो है वो भी एलिसिट होंगे. इन रिस्पॉन्स क्या होगा, वो सारे मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. अब अगर ज्यादा क्वांटिटी में मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो मूवमेंट होगी या फिर जो एक्शन होगा वो भी बहुत ग्रॉस होगा. जैसे कि बड़ी बड़ी मूवमेंट जो होती है, स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, ईटिंग, ठीक है, तो ये सारी चीजें कब होंगी हमारी, जब हमारी मोटर यूनिट का हाई इनर्वेशन रेशियो होगा. क्यों? क्योंकि उसकी वजह से जो बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. तो ये जो हाई इनर्वेशन रेशियो होता है ना, ये कब यूज होता है? जब हमें ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज करनी होती है, तो इनका जो इनर्वेशन रेशियो होता है ना वो बहुत हाई होता है. अब जैसे गैस्ट्रोनियस मसल की अगर हम बात करें, लेग में जो मसल होती है उसका रेशियो होता है 2:1, यानी कि आपका जो एक मोटर न्यूरॉन होता है वो सप्लाई करता है 2000 मसल फाइबर्स को इस पर्टिकुलर मसल के अंदर, गैस्ट्रोनियस मसल के अंदर. वही जब हमने लो इनर्वेशन रेशियो की बात करी थी तो वहां पे रेशियो था 5:1 का, यहाँ पे 2000:1, ठीक है, 1:1. तो ये चीज बहुत मैटर करती है. अब देखो जो स्मॉल मोटर यूनिट है उसको हमने दिखाया था थ्रू आई मसल, और जो लार्ज मोटर यूनिट है उसके लिए हमने एग्जांपल लिया था लेग मसल का, गैस्ट्रोनियस का. तो यहाँ पे आप फोर्स देख रहे होंगे इस ग्राफ के अंदर कि जो स्मॉल मोटर यूनिट है उसका देखो फोर्स कितना कम है एज कम्पेयर टू द मसल जो कि लेग में थी, गैस्ट्रोनियस मसल, उसका फोर्स जनरेशन कितना ज्यादा हुआ है. इसका सिंपल सा रीजन है कि मसल फाइबर्स यहाँ पे ज्यादा एक्टिवेट किए गए थे क्योंकि ये एक लार्ज मोटर यूनिट है. करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ मोटर यूनिट. तो हमारी बॉडी में बच्चों तीन तरीके की मोटर यूनिट्स होती हैं. फर्स्ट इज द स्लो फटीग रेजिस्टेंस मोटर यूनिट, नेक्स्ट इज द फास्ट फटीगेबल मोटर यूनिट, एंड थर्ड इज द फास्ट फटीग रेजिस्टेंस मोटर यूनिट. अब इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, हम किस बेसिस पे मोटर यूनिट्स को डिवाइड करते हैं. तो देखो जब हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है ना, तो जो मोटर न्यूरॉन होता है जो कि हमने अभी पढ़ा था जिसके बारे में, वो एक ग्रोथ फैक्टर सीक्रेट करता है. ओके, अब ये जो ग्रोथ फैक्टर होता है ना, ये किस काम आता है? ये हेल्प करता है मसल फाइबर्स को डिफरेंशिएट होने के लिए कि कौन सी मोटर यूनिट किस पर्टिकुलर टाइप के मसल फाइबर को सप्लाई करेगी, और फिर वो जो डिफरेंशिएशन होता है वो उसी तरीके से फाइबर में किया जाता है. ओके,
तो जो मोटर यूनिट्स हैं उनको बेसिकली हम उनके फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। अब देखो यहाँ पे सारा खेल किस चीज का है, आपके मसल फाइबर का। तो जैसे कि हमें पता है हमारे बॉडी में मसल फाइबर दो तरीके के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 2 को फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं टाइप 2A एंड टाइप 2B। अब ये जो मोटर यूनिट है ये किसको सप्लाई करता है, मसल फाइबर्स को, है ना। जो आपका मोटर न्यूरॉन आ रहा है वो किसको सप्लाई कर रहा है, मसल फाइबर्स को सप्लाई कर रहा है। अब मसल फाइबर तीन तरीके के होते हैं, तो इसलिए मोटर यूनिट भी जो होती है वो तीन तरीके की होती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मसल इट इज सप्लाइंग। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे थ्री तरीके की मोटर यूनिट्स को दिखाया गया है। एक मोटर न्यूरॉन आ रहा है फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, आपका ओरिजिनेट हो रहा है, और फिर यहाँ पे आके वो डिफरेंट डिफरेंट मसल फाइबर्स को सप्लाई कर रहा है, डिपेंडिंग वो किस तरीके के मसल फाइबर्स है। तो सबसे पहला जो हमारा मोटर यूनिट है वो है हमारा स्लो फैटी रेजिस्टेंस मोटर यूनिट। तो इसके अंदर क्या होता है ना कि जो हमारे मसल फाइबर्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। टाइप 1 मसल फाइबर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा मसल फिजियोलॉजी के अंदर। तो टाइप 1 मसल फाइबर्स को सप्लाई करते हैं हमारे स्लो फैटी रेजिस्टेंस मोटर यूनिट। ये जो मसल फाइबर्स होते हैं बच्चों, ये बहुत स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और क्योंकि स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और स्मॉल होते हैं, तो इसी वजह से इनका जो फोर्स जनरेशन होता है वो भी बहुत कम होता है, और ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं फैटीग के। देखो एक तो ये काम बहुत कम करते हैं, बहुत धीरे धीरे करते हैं, जिसकी वजह से जो इनका फोर्स लगता है वो बहुत कम होता है। ऊपर से इनके पास क्या होता है, इनके पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इनके पास अच्छा मायोग्लोबिन कंटेंट होता है, जिसकी वजह से इनका जो फैटीग होता है वो बहुत बाद में होगा, बहुत रेजिस्टेंट होते हैं फैटीग के, जल्दी से फैटीग में नहीं आते। अब ये वाले जो फाइबर हैं या फिर जो ये वाले मोटर यूनिट हैं ये कब काम आते हैं, ये उन एक्टिविटीज में काम आते हैं जहाँ पे आपको सस्टेन मोटर कॉन्ट्रैक्शन करानी होती है। जैसे कि आपको अपराइट पोस्चर अपना मेंटेन करना है एंटी ग्रेविटी पोजीशन में। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इस पोजीशन में बैठ के यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, अगर मेरी जो मसल्स हैं वो इस पोजीशन में बहुत ज्यादा जल्दी थक जाएंगी तो मैं इस पोजीशन को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाऊंगी। इसलिए जो हमारे टाइप 1 मसल फाइबर्स या जो टाइप 1 मोटर यूनिट होते हैं वो इस कॉन्ट्रैक्शन को बहुत देर तक मेंटेन करके रखते हैं, और ये रेजिस्टेंस टू फैटीग होते हैं। दूसरे टाइप के हमारे जो मोटर यूनिट है वो है हमारे फास्ट फैटीग मोटर यूनिट। अब ये वाले जो मोटर यूनिट है किसको सप्लाई करते हैं, कौन से मसल फाइबर्स को सप्लाई करते हैं, हमारे लार्ज फाइबर्स को, जो कि है टाइप 2B। ओके, ये वाले फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और ये ग्रेटेस्ट फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। पिछली बार में हमने क्या पढ़ा था, जो पीछे हमने पढ़ा कि वो बहुत स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बहुत कम फोर्स जनरेट करते हैं। ये क्या करते हैं, ये बहुत रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट करते हैं। इनकी जो फोर्स जनरेशन होती है ना वो टाइप 1 फाइबर से 10 से 100 फोल्ड्स ज्यादा होती है। तो यहाँ पे आपको फोर्स जनरेशन जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाता है, ये जो फाइबर्स होते हैं इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, मायोग्लोबिन भी इनमें बहुत कम पाया जाता है, तो इस वजह से ये जो फाइबर्स होते हैं ये बहुत पेल दिखते हैं, राइट। और ये किसके ऊपर रिलाय करते हैं, एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस के ऊपर। जो हमारा पहला जो हमने पढ़ा था वो किस पर रिलाय कर रहा था, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर रिलाय कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या हो गया, एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस आ गया, ठीक है। तो यहाँ के जो फाइबर है वो इजीली फैटीग हो जाते हैं, यानी कि ये थक जल्दी जाएंगे। हमें इस टाइप के मसल फाइबर्स की या मोटर यूनिट्स की कब जरूरत होती है, जब हम बहुत ब्रीफ एक्सर्शन करते हैं, यानी कि उस टाइम पे जब हमें बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए होती है बिल्कुल कम टाइम में, तो हम इन वाले फाइबर्स या मोटर यूनिट्स को यूज में लेते हैं। जैसे कि जंप करना है, मुझे भागना है एकदम से, ठीक है, तो ये फाइबर्स या मसल फाइबर्स या मोटर यूनिट्स हमें उस टाइम काम आते हैं। थर्ड आता है हमारा फास्ट फैटी रेजिस्टेंस मोटर यूनिट। तो ये वाले जो मोटर यूनिट्स होते हैं ना, अब तक हमने जो दो पढ़े उन दोनों की क्वालिटीज या उन दोनों के बीच में ये वाला मोटर यूनिट आपका आता है।
इस वाले मोटर यूनिट में क्या होता है, जो हमारे टाइप 2A फाइबर्स है वो आ जाते हैं। अब जो टाइप 2A फाइबर्स आपने पढ़ा होगा मसल की फिजियोलॉजी के अंदर, ये इंटरमीडिएट साइज के होते हैं, और ये जो टाइप 2B फाइबर्स होते हैं उनसे थोड़े स्लो होते हैं, यानी कि ये फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, रैपिड फोर्स ये भी प्रोड्यूस करते हैं, बट जो टाइप 2B था उससे थोड़ा कम करते हैं। इनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो बेटर होता है एज कम्पेयर टू टाइप 2B फाइबर, जिनका ब्लड सप्लाई भी अच्छा होता है, तो ये भी ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म पे ही रिलाय करते हैं, और ये भी रेजिस्टेंस टू फैटी होते हैं, बट टाइप 1 से कम होते हैं और टाइप 2B से ज्यादा होते हैं। ये वाले जो फाइबर्स होते हैं टाइप 2A फाइबर्स, ये ट्वाइस एज मच फोर्स जनरेट करते हैं फ्रॉम टाइप 1 फाइबर्स, यानी कि देखो टाइप 1 फाइबर से ये ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं टाइप 2A, और टाइप 2B तो सबसे ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो सबसे पहले आता है आपका टाइप 1 जो कि बहुत कम फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, फिर आता है आपका टाइप 2A, फिर आता है आपका टाइप 2B जो कि सबसे ज्यादा आपकी फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पे आप ग्राफ में देखो पर्पल कलर में जो सबसे नीचे दे रखा है ये आपके स्लो मोटर यूनिट, अगर आप इस तरफ फोर्स है इस तरफ टाइम है तो देखो ये बहुत कम फोर्स जनरेट कर रहे हैं, बट लंबा तक कर रहे हैं, अच्छा टाइम तक कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन। जो ऊपर येलो वाला है ये है आपके टाइप 2A फाइबर्स जो कि कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं बट कम है, देखो दोनों के बीच में है, और ये जो ब्लू वाला है ये आपका फैटी फास्ट फटीगेबल मोटर यूनिट, तो ये क्या है बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे, सो दिस इज द टाइप्स ऑफ मोटर यूनिट। अब इनको एक बार टेबल में समझ लेते हैं अच्छे से, स्लो फटी, फटीग रेजिस्टेंस एंड फास्ट फटीग, तो ये तीन तरह की मोटर यूनिट है हमारे पास। सबसे पहले आता है आपका रिक्रूटमेंट थ्रेशहोल्ड, तो स्लो का है लो, फास्ट रेजिस्टेंस का है इंटरमीडिएट, और फास्ट फटीग का है हाई। फटीग रेजिस्टेंस क्या होता है, जो स्लो फटीग वाले होते हैं इनका फटीग रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, जल्दी से नहीं थकते। फटीग रेजिस्टेंस का होगा मीडियम से लो, और फास्ट वाले का होगा लो, ये बहुत जल्दी थक जाते हैं, काम भी बहुत जल्दी करेंगे और बहुत जल्दी थक भी जाएंगे। मेटाबॉलिक कॉस्ट एट रेस्ट अगर मैं देखूं तो स्लो फटीग वाले की बहुत हाई होती है, तभी यहाँ पे ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म आपको काम करता हुआ दिखेगा। फिर आता है आपका फटीग रेजिस्टेंस जो कि टाइप 2A को सप्लाई कर रहा था, उसकी कॉस्ट होती है मीडियम, और फास्ट फटीग जो कि टाइप 2B फाइबर से उनकी मेटाबॉलिक कॉस्ट एट रेस्ट होती है लो। अब ये जो तीन टाइप ऑफ मोटर यूनिट पड़े हैं, ये तीनों ही तरह के मोटर यूनिट आपको हर मसल के अंदर देखने को मिलेंगे, बट इनका जो प्रोपोर्शन होता है, जो रेशियो रहता है, वो डिफर करता है डिफरेंट डिफरेंट मसल वर्क के ऊपर, डिपेंड करता है आपकी मसल के वर्क के ऊपर। कुछ मसल ऐसी होती है जो हमें अपराइट पोस्चर में हेल्प करती है, कुछ मसल ऐसी होती है जब हमें ऐसा काम होता है कि हमें बहुत ज्यादा फोर्स आउटपुट चाहिए, तो उस काम पे वहां पे जो मोटर यूनिट्स होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं, जो फास्ट फटीग रेजिस्टेंस होंगे वहां पे, डिपेंडिंग अपॉन द मसल वर्क या आपकी जो मसल है वो किस तरीके का काम करती है, उस हिसाब से वहां पे जो आपकी मोटर यूनिट्स होंगी वो प्रेजेंट होंगी। अब यहाँ पे एग्जांपल से भी समझाया हुआ है, जो आपकी स्लो मोटर यूनिट्स होती हैं, यानी कि जो आपके टाइप 1 फाइबर्स को सप्लाई करती हैं, उनमें क्या होता है आपको सस्टेन एफर्ट चाहिए होता है कि वो लंबे टाइम तक काम करती रहे बिना थके, तो वो किस लिए जरूरी होती है, आपका पोस्चर मेंटेन करने के लिए। जैसे आपकी जो सोलियस मसल है वो एक इंपॉर्टेंट मसल है फॉर योर पोस्चर, तो वहां पे हमें कौन सी यूनिट चाहिए होती है मोटर यूनिट, जो स्लो मोटर यूनिट होती है जो कि इजीली नहीं फटीग होती है, रेजिस्टेंट टू फटीग। अब देखो मोटर यूनिट जो है उसमें डैमेज भी हो सकता है और डिसफंक्शन भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं, राइट। अभी किस वजह से हो सकता है, ये तो जेनेटिक भी हो सकता है या एक्वायर्ड भी हो सकता है, तो इसकी वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेंगे इन द मोटर यूनिट। अब इनका डिस्टिंक्टिव फीचर क्या होता है इन मोटर यूनिट डिसऑर्डर का, कि ये वेरी करते हैं डिपेंडिंग कि आपकी मोटर यूनिट का जो कौन सा कंपोनेंट है उस पे आपको डैमेज हुआ है, आपको नर्व पे डैमेज हुआ है, आपको उसकी जो ब्रांचेज आ रही है वहां पे डैमेज हुआ है, या फिर आपको मसल फाइबर के ऊपर डैमेज हुआ है, या फिर आपको स्पाइनल कॉर्ड से जहां से वो नर्व जो है, जो न्यूरॉन है जो ओरिजिनेट हो रहा है वहीं पे आपको डैमेज हो गया, तो उस हिसाब से अलग अलग बीमारियां होती हैं, अलग अलग कंडीशन होती है, उनके अलग अलग फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड कि आपका जो सोर्स है, जो आपकी एटियोलॉजी है वो कहाँ पे आ रही है, नर्व पे आ रही है, मसल पे आ रही है, स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे आ रही है, कहाँ पे आ रही है, तो उस हिसाब से जो उनके फीचर्स होते हैं वो भी डिफरेंशिएट करते हैं। सो बच्चों दिस इज़ ऑल अबाउट द मोटर यूनिट, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं या फिर आपके कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।